संतोष, इस जाहिल लड़की के अलावा तुझे कोई नहीं मिला केयरटेकर बनाने के लिए। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? भाई वीरप्पा, अगर राज रानी को पता चल गया कि ये दाल चीनी है, फिर तो पोल खुल जाएगी। जी दाल कला नाम है जी इसका, पर कला नाम की ना कोई चीज नहीं है जी इसके अंदर। माँ बाप ने क्या सोचकर नाम रखा है तेरा कला? नाम पर धब्बा है तू। माफ करना मैडम जी, बुआ जी ने फोटोज भेजी थी मुझे, पर वो मेरा फोन पुराना है ना, तो फोटोज खुली नहीं। आप एक और मौका दे देंगी मुझे? मैंने ना कमरा बिल्कुल वैसा ही कर देना है जैसा आप चाहते हैं। मौके के लायक है तू? शकल ना दिखाइयो, दबाओ। मॉम, ये लड़की जेन्युइनली सॉरी बोल रही है, और अगर इसके फोन में फोटोज नहीं खुलती तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसे एक और चांस दे देते हैं ना। तीज बेटा, तू देख रहा ना क्या हाल किया उसने तेरे कमरे का? आई नो मॉम, आई नो, पर अगर ये लड़की झूठ बोल रही होती ना तो मैं इसे एक और चांस नहीं देता, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। पर मैंने इस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है, सो मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक रूम अच्छे से सेट कर देना। जी साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ मॉम। चल जा अंदर, तेजी के आने से पहले पहले ना कमरा साफ कर ले। अरे बा, फिर इस चलादन का फोन। हाँ जी पंजी, भरोसा उठ गया तेरे ऊपर से मेरा। सुन, मैं खुद फोन पर सुपरवाइज करूंगी कि तेज का कमरा कैसे सजाना है। पता नहीं अब यहाँ से कोई टैक्सी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ फंस गया हूँ। हे दीपक, आ जाए। ये क्या हाल बना रखा है अपना, होली खेल कर आए हो क्या? बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा। तू यहाँ? अच्छा भाई, ताई जी ने आपके लिए खाना भेजा है। मॉम भी ना यार, उन्हें सब पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। मुझे अभी फैक्ट्री का टूर करने जाना है, टिफिन दे दे, सामान दे। अच्छा ठीक है, आप ऐसे जाओगे लेकिन फैक्ट्री? इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छुड़ाने दूंगी तुम मुझे, और वैसे भी इतनी बड़ी करोड़ों की लॉटरी रोज रोज थोड़ी हाथ लगती है। एक काम करो, मैं आपके कपड़े लेकर के आया, आप चेंज कर लो। और भाई एक और बात, ताई जी ने आपके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी है घर पे, और आपकी यहाँ पे हल्दी भी हो ही गई है। अगर कनाडा में कोई लड़की पसंद है और उसको लेकर के सीरियस हो ना, ताई जी को भी बता दो। तुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरे लिए क्या सही है ये मॉम से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो जिस भी लड़की को मेरे लिए चुनेंगे मैं चुपचाप उससे शादी कर लूंगा। तो माँ है वो जादुई तोता जिसमें इस राजकुमार की जान बसती है। एज आउट ऑफ से निकल चुका है, एक घंटे में आपका शिकार आपके पास होगा, आप बस मेरे पैसे तैयार रखें। ढिल्लो मसाले वालों ने जो बेइज्जती की है ना, उसका कर्जा इस एज के खून से चुकाना होगा। मेरे बेटे का कमरा अपने घर की तरह नहीं बनाना, जिस तरह की झुग्गियों में तुम रहते हो ना वैसा नहीं बनाना मेरे बेटे के कमरे को। बिस्तर बनाए कभी जिंदगी में? हाँ, कुशन पीछे रख। ये पर्दों पर गांठें क्यों लगा रही है? जिस रस्सी से पर्दों को बांधते उससे लटकने वाली है क्या तू? सॉरी मैडम जी। पानी ठीक से भर। टोस्टर कहाँ है? वो टोस्टर क्यों चाहिए? संतोष, कहाँ से पकड़ के लाई है इस जाहिल को? टोस्टर नहीं, कोस्टर बोल रही हूँ। कोस्टर यूज करते हैं ग्लास को ढकने के लिए। मैडम जी, वो तो कटोरी से भी ढक सकते हैं ना, मैं ढक देती हूँ कटोरी से। जितना बोला जा रहा है उतना कर, औकात मत दिखा। राजपंत जी, आप मेरे को बता दो ना
क्या लेकर आना है? टोस्टर लाना है, पोस्टर लाना है या फटा पोस्टर लाना है? मैं मंडी जाकर के सारा कुछ ले आऊंगी जो आप बोलोगे। एक काम कर, जब तू मंडी जाएगी ना तो थोड़ी सी अक्कल भी खरीद लाइयो। आई बात समझ में? जाहिलों को पकड़ के लाइए काम करने के लिए। मैं कर रही हूँ मैडम जी। तुम सारे के सारे अपनी अक्कल गिरवी रख कर आए हो क्या? ओहो, गिरा दिया ना सारा पानी। एक काम कर, ये जो पानी गिरा है ना इसी में डूब के मर जा तू। क्या सोच कर आई थी यहाँ पे काम करने के लिए? तेरी औकात है ढिल्लो परिवार की सेवा करने के लिए? नहीं ना, मैं साफ कर देती हूँ मैडम जी। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? नहीं नहीं, तेरी माँ भी तेरी तरह होगी ना, जाहिल गवार। मैडम जी, माँ को कुछ मत कहिएगा। सारा ज्ञान सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं आता। हम जैसे लोग ना जिंदगी जी कर भी ना बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैं ना तुझे संतोष पापी, आप अभी तक यही हो? और दालचीनी? ओ सुन मेरी बात, अंदर ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जाके काम कर ले। पकड़ ये पैसे, जाके कोस्टर ले आ। इन अमीर लोगों को तभी शांति मिलेगी। जा चेती। हाय फिर बा, ये फिर जलादन का फोन आ गया। बोला था ना एक रिंग में फोन उठाना, आंखों के साथ कान भी चले गए क्या तेरे? कहाँ है वो लड़की? वो मेरे तेज के आसपास भटकती भी नहीं चाहिए। आई समझ? माँ के खिलाफ उल्टा सीधा सुनने थोड़ी ना आई थी मैं। आप मैं बुआ जी को जाकर ना अभी बता देती हूँ कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। बुआ जी, हाँ तू बहुत बड़ी डॉक्टर इंजीनियर लगी हुई है ना, जो तेरे पीछे नौकरियों की लाइन लगी हुई है। कल तक तो तेरे सिर के ऊपर छत भी नहीं थी, और तेरे को फिर पैसों की लोड है ना? हाँ है लोड, पर मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती बुआ जी। मैं तो खाना बनाती हूँ बुआ जी, आपने मुझे केयरटेकर क्यों बना दिया? तुझे पैसों की लोड थी, तुझे घर छुड़वाना था। अगर तू आज ये अधूरा काम छोड़ के चलेगी ना, फिर वो जलादन को मौका मिल जाना तेरी माँ का नाम रखने के लिए। और फिर तू ही कहती थी ना कि तेरी माँ कहती है कि कभी भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर तू क्यों कर रही है ऐसा? हाँ तो ये भी कहती थी ना कि किसी से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आपने मेरे नाम का झूठ क्यों बोला? चुप कर, तू बुआ के सिर पर चढ़ती जा रही है। मैंने सच बोला, झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ तेरे को बचाने के लिए किया, नहीं तो वो जलादन भूखी शेरनी की तरह दालचीनी तेरे को वो खा जाती। और तू लगी हुई है मेरे से बहस करने के लिए। ये बेकार की बातें छोड़ और जा काम पे लग जा। पर बुआ जी, ये आखिरी बार मैं इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपसे। हाय मेरे बाप, क्या क्या करना पड़ता है एक टिफिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? मेरे मैरिज ब्यूरो में पिछले एक महीने में इतनी कॉल नहीं आई जितनी कल आ गई है। अब कोयले की खान से रोज तो हीरा निकलता नहीं है। जो भी लड़की मेरे तेज की बीवी बनेगी बड़ी किस्मत वाली लड़की होगी। एक गलता बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी पैन जी, जो भी तेज की बीवी बनेगी उसके पाग खुल जाएंगे। पर ध्यान रहे, तो जो भी रिश्ते लाओ वो भीड़ से अलग होने चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंग्रेजी ऐसे बोले कि चार लोग मुड़कर उसे देखें, उसके अंदर कुछ करने की चाह होनी चाहिए, और उसे रसोई में कदम रखना बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए। हाय मैं मर गई। विजय आप ठीक हो? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी क्या करती है तू, इतनी लापरवाही। देख रही हो शालिनी, जब मैं तुमसे ये कह रही थी कि लड़की ऐसी लाना जो भीड़ से अलग हो, तो मेरा यही मतलब था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ढिल्लो परिवार में एक और ऐसी बहू आए जो उसकी शान के लायक ना हो।
ठीक है बहन जी, मैं लग जाती हूँ तलाश में। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं आपको कॉल करूंगी। सत श्री अकाल बहन जी। पीछे दिखाओ कहीं हाथ तो नहीं जला? वो तो अच्छा है कि नीचे गिर गया, इनके ऊपर गिर गया होता तो जल नहीं जाती पीछे। ये जो नीचे गिरा ना दिव्या, उसको साफ करवा। और बिमी तू दार जी के लिए सूप लेकर आ, और ध्यान रखी कि इस तरह की लापरवाही दार जी के साथ ना हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाना क्या खड़ी है तू, करवा। बीजी चलो मैं आपके कपड़े बदलवा देती हूँ। भले ही आप मुझे इस परिवार की शान के लायक न समझें, पर उम्मीद करती हूँ कि बहुत आपकी भी ऐसी ही आएगी जो आपकी इस छोटी शान को चपना चूर कर दे। हाथ पैर की ताकत तो चली गई पर अकड़ वैसी की वैसी है। दार जी के सामने ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं आपको आपकी तकलीफ से आजाद करने पर मजबूर हो जाऊं। क्या खुशबू आ रही है मॉम के हाथ के बने पराठे की। कंट्रोल नहीं हो रहा, पर हाईवे पर कैसे खाऊं मैं। दड़ा 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 और चल। एक काम करता हूँ, गांव के अंदर वाली रोड ले लेता हूँ, फिर आराम से धीरे धीरे चलते चलते पराठे एंजॉय करूंगा। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? नहीं नहीं, तेरी माँ भी तेरी तरह होगी ना, जाहिल गवार। जितनी ज्यादा दौलत ना उतना ही छोटा दिल होता है नमीजादों के सीने में। हमको जाहिल बुला रही थी, क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब एक इंसान होकर किसी दूसरे इंसान की इज्जत ना कर सके तो क्या जरूरत थी डरने की? पहले ही ना पलट के जवाब दे देना चाहिए था। और भगा इसको। ये दालचीनी कहां से टपक पड़ी? अब ये बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे चलेगी और मैं धीरे धीरे मॉम के हाथ के बने पराठे एंजॉय करूंगा। माँ के हाथ के पराठों से दिन की शुरुआत हो तो दिन अच्छा होना ही है। गुड फूड, गुड लाइफ, और पिंड की गलियां, और धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव। वाह, ये अमीरजादों को क्या लगता है सड़क जैसे इन्होंने खरीद ही ली हो। मुझे वहां जाना है, कमरा सजाना है, देरी हो रही है। ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर बैलगाड़ी से भी धीरे क्यों चल रहा है? अरे और चलिए आगे। हाँ आग लगी है भाई, आराम से चलो। अरे ऊपर से निकल जाओ। कला, ये कला अपना सारा काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? तब से ये हॉर्न बजा रही है मेरे पीछे। साहब जी आगे चलिए, अपने पैसों का ना रोक ना दिखाइए यहाँ पर।
हम जैसे लोगों को ना यहाँ पर काम करना पड़ता है। क्यों भोपू पे भोपू बजाए जा रही हो? पर तुमने मुझे इरिटेट करने की कसम खा रखी है क्या? सर जी मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ लेकिन आपको मेरी हर काम में गलती नजर आ रही, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? What? सर जी देखिए, मैं ना आप ही के कमरे का सामान लेने जा रही हूँ। अगर मुझे देरी हो गई तो आपने इंतजार मुझ पर ही लगा देना है, तो फिर मुझे जाने दीजिए। हाँ तो पहली बार में अगर तुम रूम अच्छे सेट कर देती तो इस चीज की नौबत नहीं आती ना। सर जी माना कि मैं गरीब हूँ, पर मेरी बर्दाश्त की हद ना आप जाचिए मत। आप लोगों के लिए ना हम गरीब लोग आपकी पैरों की जूती होते होंगे, पर हम अपनी इज्जत करते हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो अपने काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी ना। पुलिस कहां से आ गई? कोई बात नहीं बेटा, तेरे को बाद में देखता हूं। अब तुमने मेरे रूम को सर्कस के स्टेज की तरह सजा दिया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। सर जी सारी गलती ना मेरी है। आपकी गाड़ी मेरे ट्रॉले के सामने खड़ी है, ये भी गलती मेरी ही है। मुझे ट्रॉला चलाना नहीं आता, मुझे आपका कमरा सजाना नहीं आता, सारी गलती मेरी है, मान गई मैं। पर आप मुझे जाने दीजिए। ये घर है या किसी राजा का महल? से तो बाहर से भी देखने की टिकट लगनी चाहिए। अच्छा हुआ ये ढिलोन हाउस चंडीगढ़ में, ये ऑनलाइन देखकर आने का फायदा तो हुआ। लेकिन जिस जादुई तोते में तेज ढिलोन की जान बसती है, उस तक कैसे पहुंचूं? तेज की माँ तो घर के अंदर होगी। तो मैं भी नहीं हूँ वहां पर तेज की देखभाल के लिए, और उस कला ने उसके नाक में दम कर रखा है। जाकर मोगा ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर उसके सामने नहीं आएंगे। ये ड्राइवर कहां पर चला गया? कामचोरों की फौज पाल रखी है हम लोगों ने। गले में सोने की चेन, कान में हीरे और चेहरे पर अकड़, लग तो यही रही है तेज ढिल्लों की माँ। हेलो, कहाँ है तू? तुझसे कहा था ना मोगा जाना है, बात नहीं समझ में आती तुझे? कहाँ है तू? रुक मैं आ रही हूँ। आमचोर कहीं के तुझसे बोला था ना रेडी रहे, इतना टाइम क्यों लगा रहा था तू? मर गया था तू? छोड़। खोतिया तुझे तो बताती हूँ मैं, दिन दहाड़े बर्फे हाँ डस है, दिन दहाड़े चोरी करते, शर्म नहीं आती तुझे? तुझे पता है तेरी औकात क्या है? हाँ किसके बर्फे हाथ डाला तूने? हिल्लोन परिवार की राजरानी हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो छोड़ूंगी नहीं आज मैं। चुप चुप करेगा तुम्हारा, चोरी करते तुझे पता है राजरानी है? तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू मेरा नाम नहीं भूलेगा, राजरानी ढिल्लो। जान ले लूंगी मैं तेरी। फोन लगा पुलिस को। आंटी जी, आंटी एक मिनट, पाजी एक मिनट। आंटी जी पुलिस का चक्कर ना बहुत लंबा पड़ जाना है, और इसका तो ठीक है, आप परेशान हो जाओगे आंटी जी।
और तू माफी मांग, माफी मांग, दफा दफा दफा, दफा हो यहाँ से, देखना मत दोबारा। आंटी जी, आंटी जी, अब बैठी ना। अरे एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल नाउ, यू कैन गो गो, अब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गला गला कहाँ है गला? क्या नाम है तुम्हारा?